को हमारे भाई साहब मिले हैं, हमारे सब्सक्राइबर, तो हमारे फैन। रोज, वेरी गुड। विच कलर? हो जाओ पैक हो जाओ, ऊपर खड़ी हो, मेरे को एडजस्ट कर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश खैरियत होंगे। तो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ऋषियांचल व्लॉग्स में। तो आजकल तो शिमला में डटे हुए, शिमला की लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, और एंजॉय तो क्या, भाग दौड़ भरी लाइफ है, दो सेकंड का भी टाइम नहीं होता, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो रेस्ट होता नहीं है, रेस्ट तो गाँव में ही है, जो मर्जी करना है अपने, घूमने निकल गए, गाँव में काम करना है काम कर लिया, क्योंकि खुद ही मालिक होते हैं तो कोई प्रेशर नहीं होता किसी भी काम के लिए कि आज ही करना है कि अभी ही होना चाहिए, तो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता गांव में। तो शिमला का मौसम की बात करूं तो चारों तरफ फॉग बनी हुई है आजकल, ये देखो पूरा फॉगी सा मौसम बना हुआ है, और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है, तो बरसात अपने पूरे जोश में आ चुकी है अब तो। अभी तक जैसे लग रहा था कि बरस नहीं रहा, और अब लग रहा है कि इतना ज़्यादा अपना बरसे कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, तो डर ही लगता है शिमला में। खास आबी जा चुकी है स्कूल, आबी को मैंने स्कूल छोड़ दिया था सुबह सुबह ही, तो आज उसकी है पीटी, तो आंचल को भी जाना पड़ रहा है, और साथ ही है एक और ज़्यादा, आरवी जा चुकी है स्कूल, उसके स्कूल में है आज पीटीएम, थोड़ी देर में आंचल को भी जाना है, बट उससे पहले आंचल को जाना है किसी खास जगह पे। आज अर्शिप स्कूल में सेलिब्रेट किया जा रहा है 15th August, तो आज अर्शिप की वेशभूषा ना आपको चेंज सी देखेंगे, तो मैं दिखाता हूँ आपको अर्शिप को। तो ये देखो जी अर्शिप कितना क्यूट लग रहा है। तो अर्शिप आज बनाए, क्या बने हो आप अर्शिप? चाचा नेहरू। तो ये देखो चाचा नेहरू की ड्रेस बनी हुई आज अर्शिप ने, क्योंकि 15th August की तैयारियां हैं स्कूल में, तो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं ये लोग 15th August। तो बोलो अर्शिप, सुनाओ हमारे को, वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलो सुनाओ चाचा नेहरू। हम सबके पहले पितर मंत्री से हाजर लड़ाई करते थे, करो से नहीं करते थे। जय हिंद। वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड। तो अब देखते हैं दूसरी को, वो क्या कर रही है, इधर उधर ही दौड़ रही है, और टाइम हो चला है स्कूल जाने का, तो देखते हैं कि तैयार हुई है कि नहीं। क्या ढूंढ रही है अब, क्या गुम हो गया? पिन एक जगह रखती नहीं है, एक फिर... थोड़ी नहीं है, हाँ? 10-20 पिन है, पर वो जब चाहिए होती है ना, चाहिए एक ढूंढ के रखा करना पहले ही। देखो मैंने भी आज वाइट पहना है, थोड़ा तो दिखना चाहिए ना कि सेलिब्रेशन हो रहा है। अच्छा, मैं तो चाह रही थी वो ट्राई कलर दुपट्टा लेना, बट वो उसकी डिलीवरी काफी लेट दिखा रहे थे। नेहरू, आप रेडी है जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए? आपको कैसा लग रहा है? हो सकता है जल्दी में कहीं पैकेट में डाल के ले जाइए स्कूल के पास ही पहना। ये सिलवा के की थी ना ये टोपी, कहीं भी नहीं मिल रही थी, ना ऑनलाइन मिल रही थी, वो साइज नहीं मिल रहा था, ऑनलाइन मिल तो रही थी, बढ़िया बड़ी साइज। तो मैंने ये सिलवा के की टेलर से, तो जैसे होती है ना इसमें लाइन होती है, टेलर ने लगाई, तो मैंने ये धो ली कल, धोई भी आज से, बट शायद ये श्रिंक होगी, ये थोड़ी हवा में रह रही है, ऐसे तो ठीक है बट गिर भी सकती है, ध्यान रखना पड़ेगा। लड़कियों कैसे होते हैं ना, पिन लगा करके टिका दी, इसको पिन भी निकाल लेंगे। मुझे भी जाना है अभी, घर से दूध भेजा है बस में दूध लेने, तो इनके साथ, इन लोगों के साथ ही निकल जाऊंगा, और आज मेरी भी है घर की वापसी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए शिमला में, थोड़ी घर के हाल चाल भी देख लेते हैं क्या स्थिति है, स्प्रे भी ड्यू हो गई है, स्प्रे भी करनी है, और अब आई थिंक एक दो स्प्रे ही रह गई लास्ट की, वो करके फिर उसके बाद तो एप्पल सीजन स्टार्ट हो जाएगा। आरवी गाने सुना सुबह, बचाओ पापा, मैं मम्मा से कौन बचाएगा। क्योंकि आज पीटीएम, आज आरवी के जो एग्जाम हुए थे ना, वो पेपर्स दिखाने हैं। पीटीएम तो पीटीएम की है, रोज का कौन बचाएगा, रोज की शरारतें करते हैं, रिश उनको बचाते थे फिर। हाँ वो तो है,
थोड़ा मेरे पास आके बच जाते थे ये आंचल की मार से, पर अब कोई नहीं बचा सकता कुछ दिनों तक। अरे तुम्हें नहीं यही टेंशन होती, पहले दादी के दादी मत जाओ, अब पापा के पापा मत जाओ, मम्मा से कौन बचाएगा। तो आज उसको ये तो पता है कि मैं जा रहा हूँ घर, तो इतनी ज़्यादा दुखी तो नहीं होगी क्योंकि पता है कि जा रहे हैं। दादी ने तो उस दिन सरप्राइज ही दिया, एकदम चले गए। उन्होंने तो आरवी ने बोला था कि आज नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना, पर वो चले गए। पर मेरा उसको पता है कि आज मैं जाऊँगा ही जाऊँगा, तो इतनी ज़्यादा सरप्राइज तो नहीं होगी, बट थोड़ा दुख तो होता ही है उसको जब कोई जाता है, खाली खाली सा हो जाता है। तीन चार दिन दुख रहता है फिर। चल चार पाँच दिन के बाद फिर मैं आ जाऊँगा वापस, जब तक उसका दुख खत्म होना है। हम लोग निकल चुके हैं इस वक्त घर से। ये देखो आंचल भी रेडी है, अर्शी भी रेडी है, दोनों रेडी है। तो ये है चाचा नेहरू। देखो जी कैसे कैसे लग रहे हो दोनों माँ बेटा, सज धज के चल पड़े। क्या लेना था? अच्छा का, अच्छा वो वाला वो ले लियो, क्या बोलते इसने अम्ब्रेला डाला। तो चलो अर्शिव जी, मुझे नहीं पहना इसको, कुर्ता पजामे में कंफर्टेबल नहीं रहता। हाँ जी अच्छा खुल के अभी ठीक करते हैं। तो जी आज ना बस टाइम पे आ गई और मेरा सामान टाइम पे पहुंच गया, इसको बैग फुल करके दिया हुआ है। तो वरना ना वेट करने में बहुत अजीब सा लगता है, वेट करते रहो सारी बसेस चेक करते रहो, अब आएगी तब आएगी, तो बार बार फ़ोन करना भी अच्छा नहीं लगता उस्ताद को, क्योंकि डिस्टर्ब हो जाते गाड़ी चलाते जाते। तो फिर पहुंची गई आज टाइम पे, बढ़िया। तो बैग कर दिया मैंने खाली, सामान अब अपनी जगह में रख दिया है और अपना बैग भी कर दिया घर के लिए पैक। तो अब खाते हैं खाना फिर करते हैं तैयारी जाने। तो आंचल ने बना रखा है पनीर और चावल, तो इसी का ही लंच बंच सब कुछ इकट्ठा ही कर देते हैं, मतलब लंच ब्रेकफास्ट इकट्ठा ही है। तो क्योंकि अब 11 बजने वाले हैं और अर्शिव के लिए भी जाना है, तो फटाफट खाना खा करके फिर तैयार होकर निकलता हूँ। हमारे भाई साहब मिले हैं, हमारे सब्सक्राइबर, तो हमारे फैन है, बोले आपके बहुत बड़े फैन हैं, आपके सारे व्लॉग्स देखते हैं हम। तो मैं यहाँ आया था एक घड़ी के लिए थोड़ा काम से, तो यहाँ पे भाई साहब मिले, बोले हम आपको बहुत प्यार करते हैं। तो है जी देखो इनको, इनका जो कोई नहीं है जो ये बनाते हैं गुड, इनको सरप्राइज सब कुछ करो। तो जी मैं हो चुका हूँ रेडी और साथ साथ ही बाहर मौसम भी हो चुका है बहुत ही खतरनाक, कभी भी बारिश आ सकती है। ये देखो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा होने लग गया हुआ है। तो अब मैं निकलता हूँ टाइम पे गाड़ी के पास पहुँचता हूँ। एक बार गाड़ी में बैठ गया ना फिर बेशक आ जाए बारिश, तक कोई टेंशन नहीं होती। एक बार यहाँ से वहाँ गाड़ी तक पार्किंग तक पहुँचने की दिक्कत हो जाती है। तो निकलते हैं टाइम पे और अर्शिव को ले लेते हैं, देखते हैं नेहरू जी क्या बोल के आए, क्या करके आए हैं स्कूल में। तो चलते हैं अर्शिव को लेने। ये रहे मेरे बैग, है तो खाली खाली है, ज़्यादा इसमें है कुछ नहीं है, बस सामान से जैसे सब्जी और कुछ सामान घर का वो सब कुछ इकट्ठा करके फिर बैग में डाल के आसान हो जाता है ले जाना, ही तो पैकेट पैकेट हो जाते हैं। एक ही दवाइयाँ लेने को और बाकी सामान लेकर के मैं पहुँच चुका हूँ पार्किंग में और गाड़ी की हालत है बहुत ही ख़राब, और आने जाने के लिए यहाँ से देखो रास्ता कितना गंदा है। खैर इस साइड से तो आ ही नहीं सकूँगा मैं मेरे ख्याल से, यहाँ से तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो बहुत ही ख़राब स्थिति है और मौसम बहुत ही ख़राब हो रहा है, टाइम पर निकलना ही सही रहेगा। तो फिर करता हूँ ये सारा सामान गाड़ी में पैक। तो जी चल पड़ा हूँ मैं अपने सफ़र में। तो सबसे पहले अभी तो मैं जा रहा था, पहले जाना था अर्शिव को लेने, बट आंचल का फ़ोन आ गया कि हम लोग टाइम पे फ्री हो गए हैं, तो आप पहले हमारे को लेने आ जाओ, उसके बाद चलेंगे साथ अर्शिव को लेने। तो पहले उनको ले लेता हूँ मैं, क्योंकि वो मेरा वेट कर रहे हैं कि हम रस्ते में चलते रहेंगे, आपने हमारे को देख लेना, क्योंकि वहाँ पे फिर जाम लग जाता है, वहाँ पे काफ़ी टाइट है, या आई जी एल से आगे ऑफ टनल तक, तो वो चलते रहेंगे, जहाँ पे रास्ते में मिलेंगे वहाँ से गाड़ी मोड़ के उनको लेकर के आ जाएंगे, फिर अर्शिव को रिसीव करते हैं, फिर उन दोनों को घर छोड़ते हैं। तो चलते पहले आंचल और आरवी को मिल लेते हैं। यहाँ पर लगा है फोर लाइन का काम जोरों शोरों में, पर अभी तक ये समझ नहीं आया कि यहाँ बन क्या रहा है, टनल बना रहे हैं कि कोई चौक बना रहे हैं खुला कर रहे हैं, तो ये कोई क्लियर नहीं है अभी। तो जब भी पूछते हैं लग जाएगा पता, टाइम पे लग जाएगा। तो यहाँ पे ये काम चला हुआ है, कुछ बोलते हैं टनल बन रही है, कुछ बोलते हैं कि चौक खुली कर रहे हैं। तो चल पड़ी गाड़ियाँ निकलते हैं अभी, चलो चलो सब हो जाओ हो जाओ हो जाओ पैक हो जाओ। खड़ी हो मेरे को एडजस्ट करने में ये बैग पीछे, आरवी की गोद में बैठ जा रहा है। आरवी का आरवी नहीं दिख रही है। अच्छा हेलो, चलो तो कैसा रहा फिर रिजल्ट? बहुत अच्छा। कितनी डांट मिली किसको? नहीं मिली किसी को, नहीं मिली नहीं।
बच गया सब। आरवी है छुपी हुई, आरवी को तो नहीं मिली गई। आरवी बोलती मैम, इसकी मैम बोलती हाँ। कि कल क्या बोलते ये पूरी क्लास लिख रही, ये पता नहीं क्या इधर उधर देख रही। आरवी बोलती मम्मा स्पाइडर था ऊपर, स्पाइडर देख रही था। मैम को दिखा था, बोले मैम ये देखो ऊपर स्पाइडर है, यहाँ पे ये देख रही थी। तो अंचल और आरवी जा चुके हैं अर्शिव को लेने। मैं बैठा हुआ हूँ गाड़ी में, बारिश शुरू होगी देखो। तो वो अर्शिव को ले रहे हैं, मैं उधर थोड़ी गाड़ी की सेटिंग कर लेता हूँ, सामान काफ़ी तितर बितर हुआ हुआ, थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ क्योंकि और भी लोग आएंगे तो वो भी बैठेंगे, उससे पहले ही सेटिंग सही करके रख लेते हैं। ये देखो जी बच्चे कैसे कैसे अपने अपने रंग रूप में सजे हुए है। ये आई हमारी झांसी की रानी, तो झांसी की रानी बनी हुई है, कितनी क्यूट लग रही है। दूसरी झांसी की रानी आ गई। तापसी हेलो, क्या बनने हो आप? नमस्ते, ठीक है, क्या बनने हो आप बताओ, क्या बनने हो आज आप, क्या बनने हो आज आप? कोई आर्मी की यूनिफॉर्म में है, और ये देखो एक क्यूट सी और आ गई झांसी की रानी। वो धीरे धीरे सब आ रहे हैं अभी, अर्शिव का कोई पता नहीं, शायद आ गया आ गया आ गया। वो देखो आर भी खड़ी है। ये आए हमारे नेताजी, नेताजी आ गए। तो ये देखो जी यहाँ के ये देखो कैसे लग रहे हैं, क्यूट क्यूट से सभी दार, दार। बच्चा पार्टी यहाँ देखो अर्शिव, वाह आपकी टोपी थोड़ी टेढ़ी होगी, आपकी टोपी थोड़ी टेढ़ी होगी। हाँ तो सभी बहुत ही क्यूट क्यूट दिख रहे हैं अपनी वेशभूषा में। इधर देखो तिशु, तिशु का वही रो बेटे। देखो यहाँ पे हमारे फौजी साहब, आप क्या बनने हो, आप क्या बनने हो, हाँ सुनाई नहीं दे रहा क्या? पुलिस में बेटा फौजी, आर्मी मैन। ये देखो यहाँ पे दो आर्मी मैन और आ गए। तो हमारा नेताजी यहाँ पे है। चले अर्शिव, वाह कैसा रहा आपका फंक्शन, कैसा रहा? आप क्या बनने हो, क्या बनने हो आप? आर्मी मैन, वाह। चलो देखो सारे यहाँ पे रेडी, आगे सारे बच्चे पैक हो गए गाड़ी में। ये देखो अर्शिव भी आ गया, हो गए सभी पैक। हाँ जी बोलो सभी का। त्रिशिका बताया नहीं आपने, आप क्या बने थे? झांसी की रानी बने थे। ये दादी की चेन कहाँ से लाई? ये दादी की माला है जो गले में पहनी हुई, दादी मारेगी। ये दादी की नहीं है, मेरी है। आपकी कहाँ से हुई? ये दादी के पास देखी थी मैंने। ये दादी की नहीं है, मेरी है। अच्छा आज भी कैसा रहा फिर? देखा कैसे कैसे बने हुए थे ये लोग। हाँ तो चले आंचल जी करें सफर की शुरुआत। भाई साहब आपने कुछ बोल दिया था नेताजी के बारे में? पता नहीं है? बोलते रहे थे इनके मैम। तो चलो चलो बाय बाय सोल्जर, नन्ना मुन्ना राई, बाय बोलो जोर से फिर ब्लॉग देखेंगे। बाय बाय, कल मिलते हैं। कल तो छुट्टी होनी, कल तो छुट्टी है। आपके लिए ये लाया हुआ, यहाँ देखो ये खा लेना आप। दिल्ली वाले नहीं फोड़ना था। अच्छा सुनो, पापा जा रहे हैं, हम जाते हैं। मैं गाड़ी लगा के आता हूँ, गाड़ी पार्क करके आता हूँ। मैं गाड़ी पार्क करके यार रोड में कहाँ लगाएंगे, अंकल मारेंगे। सुनो तो मेरी बात, पापा ना आपके लिए ना गाड़ी भी लेके आएंगे। हाँ हेलीकॉप्टर भी लेके आएंगे। ठीक है,
क्या लाना है आपके लिए? आप चलो उतनी देर मम्मा के साथ, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। अभी यहाँ से जाओगे ना, रास्ते में रोते रोते जाएगा, फिर लंबाई से हो जाएगा। मैं अभी आ रहा हूँ। पापा आपके लिए चीजें लेने जा रहे हैं, क्या चाहिए था आपको? ओके अभी लेके आए, अभी आप चलो उतनी देर ना, आप पिज्जा खा लो, ठंडा हो जाएगा। हाँ घूमने वाला है। ओके मैं घूमने वाला हेलीकॉप्टर लेके आता हूँ आपको ना, चलो आप उतनी देर, ठीक है? मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ, रोड में कहाँ रखूंगा, कोई ले जाएगा हमारी गाड़ी, ठीक है? ओके जाओ, किसी को आज बहुत सारे लोग आने। ओके बाय, ओके सी यू, टाटा बाय बाय, आराम से जाओ। आपने आराम से जाना, हम तो चले जाएंगे। ओके मैं भी आराम से पहुंच ही जाऊंगा 6-7 बजे को घर, घूमते घूमते जगह जगह सामान जाना पड़ेगा बेटा, अभी तभी तभी पैसे आएंगे, पैसे घर से आएंगे, पैसे सेब तोड़ के ऐसे नहीं आएंगे, जाना पड़ेगा मेहनत करना। ओके 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 अशी बाय। तो ये देखो धुंध ही धुंध पड़ी हुई है बरसात की इस वक्त, तो मैं पहुंच रहा हूं इस वक्त कुफरी, और आगे की स्थिति बहुत ही खतरनाक नज़र आ रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धुंध है यहाँ पे, फॉग फॉग सी हो रखी हुई है। ऐसे में ओवरटेक करने का खतरा ही रहता है, कहीं आगे से धुंध में गाड़ी दिखाई ना दे और एकदम से आ जाए, तो ओवरटेक का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए आजकल। आराम आराम से चलो भैया, घर ही पहुँचना है, कौन सा कहीं और पहुँचता है, तो आराम आराम से चलते हैं। जी मैं पहुंच चुका हूं इस वक्त ठियोग, और यहां से था थोड़ा बहुत मिस्त्री जी का सामान, तो मिस्त्री जी का सामान ले करके फिर चलते हैं आगे को। थोड़ा बिजली का सामान भी है, बिजली से रिलेटेड और भी है छोटा मोटा सामान, तो पापा ने व्हाट्सएप कर रखी है लिस्ट, देखता हूं क्या क्या दिख रहा है लिस्ट में, फिर चलते हैं आगे के सफ़र में। जी मैं पहुँच चुका हूँ गुमा, और गुमा पहुँचते पहुँचते ये देखो गर्मी का एहसास होने लग गया, यहाँ पर गर्मी बहुत होती है, ये देखो पसीने लग गए मेरे। तो यहाँ से थोड़ा बहुत सामान है, कुछ मिस्त्री का, कुछ हेल्पर्स का, कुछ अपना, तो सारा सामान अब यहाँ से इकट्ठा करते हैं, राशन पानी जो जो लगना है सब ले जाते हैं यहाँ से। तो फिलहाल मैंने यहाँ लाला जी के स्टोर के पास गाड़ी लगा दी है, इस नाल जो हैवी सामान है जैसे चावल आटा, तो वो यहाँ से डालना पड़ेगा स्टोर के पास से, तो यहाँ से डलवा देते हैं सारा सामान इकट्ठा करके, कुछ अपना, कुछ हेल्पर्स का, कुछ मिस्त्री का, सभी का सामान इकट्ठा है, गाय का सामान, तो सब कुछ इकट्ठा करके अब चले हैं घर की तरफ। तो भूख भी लग गई है, थकान भी हो गई है, पसीने से बुरे हाल है गुम्मा की गर्मी में, और धूल ही धूल। बाकी मेरे को लगता है यहाँ पे बारिश नहीं हुई है सुबह से, बाकी ठियोग तक तो कई जगह बारिश हुई है पर यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। तो अब निकलते हैं घर की तरफ, भूख भी लगी है, जल्दी जल्दी घर की तरफ भागते हैं। तो इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ बूढ़ी माता मंदिर के पास, तो यहाँ पर माथा टेक रहा था, तो अब यहाँ से थोड़ा ही सफ़र बाकी रह गया है, चलते हैं आगे। तो मैं पहुँच चुका हूँ घर, गाड़ी लगा दी है पार्किंग में, तो अभी सामान बहुत है गाड़ी में, हेल्पर्स बुला दिए सामान ऊपर ले जाने के लिए, और एज इट इज़ मेरा वेलकम करने के लिए कौन आया है, देखो ये देखो आ गया मेरा वेलकम करने, इसको सबसे पहले पता लग जाता है कौन आया है, फटाफट दौड़ के आ गया गाड़ी के पास मेरे से मिलने। तो दिख तो रही है ऊपर हलचल, आई थिंक आ गए वो लोग। ये देखो जी मेरी पूरी टीम आ चुकी है, ये निकल गई है मेरी पूरी टीम मैदान में। कहाँ घूम रहे और मिस्त्री, क्या हाल है तेरे? ठीक है पहुँच गए? ठीक है, और मिंद भाई ठीक ठाक है? स्थिति कुछ कुछ ऐसी है कि कहीं साइज अच्छा है, कहीं साइज थोड़ा कम है, और कलर भी अच्छा है वह, ऐसा नेचुरली अच्छा कलर आ रहा है। और ये देखो नीचे रेड गोल्डन की कलम भी दिख रही है, उसमें भी ठीक ठीक लग रहा है। ये देखो यहाँ रेड गोल्डन का पेड़, तो कलर नेचुरली बहुत अच्छा आ रहा है। नमस्ते जी, सरिता क्या हाल है? ठीक है ठीक है। नमस्ते जी, क्या कर रहे? पहुँच गए जी, हाँ सैमी पहुँच गया था मेरा वेलकम करने नीचे, गाड़ी पहचान ली। हाँ सरिता बन ठंड के कहाँ घूम रही है, कहाँ से आ रही तू घूम? बाबा मेरे, तो उसके लिए भी क्यारी गई, क्यारी गई क्यों, तेरे को नहीं था बताया छुट्टी ने की? मैं नहीं था,
कहाँ बताया? दीदी ने बताया। हाँ जी मिस्त्री जी, है आराम? कितना खींच दिया? 4 महीने हो गए लगा रहे तू 4 महीने तक। हाय मम्मी। तो जी हम बैठे हुए हैं किचन में, डिनर बन रहा है, अभी टाइम लगेगा डिनर बनने में। तब तक थोड़ी बहुत रिफ्रेशमेंट ले ली हमने और अर्शिव का फोन आ गया शिमला से कि कहाँ है पापा, क्या कर रहे हैं, पहुँच गए? तो बेचैनी हो रही है उसको, याद रखो मम्मी से बात कर रहे हैं। ये देखो यार तो बातचीत चली हुई है सास बहू की। पापा कर रहे हैं धूप बत्ती की तैयारी शाम के टाइम, ऐसे ऐसे चला हुआ है। तो जी मैं आ चुका हूँ अपने रूम में डिनर करके, करते हैं अब रेस्ट। तो पता कि घर आके थोड़ा ना ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है, जैसे थोड़ा हाइट भी है ना, हाइट में थोड़ा टेम्परेचर डाउन डाउन हो जाता है, तो थोड़ी सी ठंड लग रही है। तो मैं सोने को कर रहा हूँ रजाई और सराना। ये देखो रजाई आंचल ने बेड बॉक्स में रखी हुई थी, सराना तो ये बिछाता हूँ और करते हैं रेस्ट। तो भाग दौड़ करके थकान तो हो ही गई है क्योंकि सुबह 6 बजे के उठे हुए हैं, तो 6 बजे से लेकर के शाम तक अभी तक तो थके बुरे हाल हो चुके हैं। तो करते हैं अब रेस्ट, ब्लॉग को करते हैं ये पे फिनिश। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए ओके सी यू, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।